सीख गया कोई थोड़ा तो ही। अरे आराम से। अभी टेंट पिचिंग की क्लास थी तो टेंट पिच में उसने बताया कि क्या क्या करना, कैसे करना, कहाँ लगाना, कैसे लगाना, हर एक चीज बता दिया। तो अब ये टेंट पिच देखो, ये है, ये ऊपर लेके जाना है अपना टेंट, ये है। राम राम जी। आज अपने कोर्स का दूसरा दिन है और अभी 7:30 बजे का टाइम हुआ है। वही सुबह 4:30 बजे उठ गए थे, 5:30 बजे चाय के लिए चले गए थे, 6 बजे से पहले थोड़ी बहुत पीटी हुई, उसके बाद रेस हुई 3 किलोमीटर एक साइड गए, वहाँ पे बढ़िया जबरदस्त पीटी करवाई, फिर वापस 2.5 किलोमीटर आए और ढाई नहीं लगभग 2800-2700 मीटर आए, उसके बाद लास्ट के 200 मीटर थे ना उसमें सूप मरवाया बढ़िया वाला। तो अभी बुरी हालत हो गई, देख सकते हो सांस में सांस हो रखी है। अभी 10-15 मिनट रेस्ट किया है, उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद 8 बजे ब्रेकफास्ट है, उसके बाद 8:30 बजे से क्लास है। आज रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाना है, तो उसके लिए जितने भी हमें मिली चीज़ है वो लेके जानी है। तो ब्रेकफास्ट दिखाते हैं और फिर उसके बाद अगली जो क्लास होगी उसका कंटिन्यू दिखाते हैं। भाई मज़ा आ गया, कल थोड़ी सी हल्की हुई थी, रेस भी लगभग 2 किलोमीटर हुई थी एक साइड, आज 3 किलोमीटर हुई है, तो आना जाना 6 किलोमीटर हो गया। पीटी भी कल से ज़्यादा करवाई है, हो सकता है आगे और ज़्यादा करवाएंगे, तो मज़ा आ रहा भाई एक नंबर। तो चलो मिलते हैं सीधे ब्रेकफास्ट पे। लो भाई अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए हैं। ब्रेकफास्ट में क्या मिला है, चावल है, एक अंडा है, एक केला है, चाय है और 4 पीस ये हैं। लो जी अभी रॉक क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं, छोटी सी रॉक क्लाइंबिंग है और कल फिर थोड़ी सी बड़ी होगी, तो देखते हैं कितनी दूर होगी और कहाँ पे होगी। अभी जा रहे हैं यहाँ से, ये कुछ बंदे आगे हैं, कुछ बंदे पीछे हैं, तो भी जाने लग रहे भाई, मज़ा आएगा। रस्सी वस्सी लेके सब कुछ सेट है, सब कुछ हम सोच रहे इसके ऊपर जाना है लेकिन इसके साइड से निकाल दिया। लो भाई ऐसी कुछ लोकेशन है जहाँ पर आज ट्राई करेंगे रोक पे। अभी सभी बंदे अपने हार्नेस पहनेंगे। A few moments later. लो भाई 11 बजे का टाइम हुआ है और जो अपने 3 ग्रुप बनाए हुए थे, एक में 6 बंदे, एक में 6 और एक में 5 बंदे हैं, तो पहले 2 ग्रुप हैं उनका हो गया कंप्लीट। ये रॉक क्लाइंबिंग थी ऊपर वाली, ये तो ये अभी चाय के लिए बैठे हुए हैं, रेस्ट किए हुए हैं। एक ग्रुप रहता है तो चाय पीने के बाद 3रा ग्रुप करेगा, फिर जाएंगे वापस नीचे। ये देखो यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी चल रही है। सीख गया कोई थोड़ा तो भी ना पेरू उन्नो, नहीं उन्नो पेरू है क्या, कंफ्यूज हो गया। ठीक है उन्नो पेरू क्या, उन पेर एन्ने, उन पेर एन्ने एन्ने, बच्चे आउट ऑफ फोकस हो जाएगा एन्ने। नाम नाम आपका नाम क्या है और आंसर देना रहा तो वहां तक जाना भाई, ऊपर तक नहीं बोलना भाई मेरे को, क्या बोल रहा है तू, ऐसा नहीं कंप्लीट होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। A few moments later. Knee bend mat kar. Don't bend your knees. Aram se. Come. Free fall aa jao. Free fall. Keep your knees straight. Lean back. Free fall bata rahi bhai. Free fall. Sorry. Kya hai? Galti se bol diya. Chhodo. Ho gaya. Okay. Good morning course. Good morning sir. Abhi aap logon ne climbing kiya. Theek hai. के साथ और रैपलिंग भी किया, और अगर आपका पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है, अगर आप लोग ऊपर गया तो नीचे आते समय आपका कुछ सामान नहीं है, इक्विपमेंट, हार्नेस जो भी है, कैराबिनर, डिसेंडर, तो नीचे कैसे आना है आपको, वो भी एक टेक्निक है, ठीक है। वो 2 टाइप का होता है, एक बोलता है साइड रैपलिंग और दूसरा स्टोमॉक, वो भी दिखाएंगे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, लेकिन अभी जो कर रहा है मैं वो साइड ट्रैवलिंग, ठीक है। वो कैसे करना है, अगर आपके पास कुछ भी सामान नहीं है तो नीचे तो आना ही है ना। यस सर। तो उसको कैसे नीचे आना है वो टेक्निक है, सिर्फ आपके पास रोप है, ठीक है, और हार्नेस भी नहीं है, कैराबिनर, डिसेंडर कोई भी नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा मिल गया तो आपको नीचे तो आना ही है, ठीक है। यस सर। तो वो कैसे आना है, वही आपका
दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है? उसको बोलता है साइड रैपलिंग। आपको यहाँ आना, पोजीशन बनाना और आपको सीधा रखना, ठीक है? गाड़ी को पूरा परपेंडिकुलर आराम से आ जाना ये, ठीक है? आना आना, ये नहीं आना, अगर ये ऐसे आ गया ना आपको ये स्लिप होगा, देखो ऐसे, ठीक है? थोड़ा बॉडी को पीछे और नीचे लाना और पोजीशन बनाओ, ठीक है? और आ जाओ, ठीक है? ये लेग क्रॉस मत करो ऐसे, ये सीधा आओ, ठीक है? ऐसे अगर आपको ब्रेक लगा रहा है तो ये, ठीक है? ये यहाँ पे लाओ हाथ, क्या हो जाएगा आपको ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक। तो फिर नीचे आना, इसको सीधा करो, ये आराम से, फिर ब्रेक लगाना है तो ये, ठीक है? ये फिर इसको खोल दो और सीधा। ये देखो हमारे बैच में जो लड़की है, ये श्रेया, ये साइड रैपलिंग करते हुए। देखो फर्स्ट टाइम होता तो ऐसे ही होता है, मैं भी जब यहाँ से रॉक क्लाइंबिंग कर रहा था तो फॉल हो गया था। डरो मत, वेट डालो, देखो साइड में सीधा खड़े हो जाओ ना, सीधा खड़े जाओ, हाँ गुड, और हाथ स्ट्रेट करो ये राइट वाला। ना ना डर रही है लड़की, बॉडी पोजीशन, बॉडी पोजीशन, बॉडी वेट दो, बॉडी वेट, ऐसे नहीं होगा, रोप के ऊपर पूरा वेट दे दो, झुको झुको, वेट दो, वेट वेट, बॉडी स्ट्रेट करो, अपर बॉडी स्ट्रेट, बिले टाइट, अलग टाइट रख, दूसरी बिले मेरे पकड़ना चाहिए क्या करने? ना ना सर, अपने अपना करेंगे, नहीं हुआ, रॉन्ग है। राइट हैंड सीधा करो आप, देखो अभी दो ही है, करेक्ट करके देखो, उधर से दो स्टेप है, दो वेट दो, हाथ सीधा करो, पूरा बॉडी को ये करो ना, ऐसे वेट दो ना, वेट देना है पूरा, ये ऐसे बॉडी को ना पूरा वेट देना है, तब होगा जाके, है ना? ये करोगे तो क्या होगा, बॉडी को पूरा देना है नीचे, वेट देना है, वेट देखो, रुक नहीं देना, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कीप इट अप, कीप इट डाउन, थोड़ा डिस्बैलेंस हो रहा है, ब्रेक करो, परपेंडिकुलर रहेगा तो बात हो जाएगी, ब्रेक लगा दो, यस नाइस 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 बॉय, सही है, नाइस बॉय नाइस बॉय। अंकल आपके चैनल का नाम क्या? चलो बेटा कोई नहीं, सारे अंकल दिखाई देता है, वैसे देखिए ये बुद्धा, देखो बुद्धा, ये वाली क्लिप जरूर डालना, हां सारे अंकल दिखाई देता हूं, हां जी हां बिल्कुल, देख ले कैसे जमाने आ गए मेरे, ये ऑफेंडर है, ये कल इसको हराने का है आपको, ओ यार अब और क्या बोलूंगा, फिर ऑफेंड हो जाएंगे, नाम थोड़ी लूंगा अंकल, भैया बोल दो, भैया आपके चैनल का नाम, वेरी सेफ साइड भैया, उतरी गए, देख देख, और ये देखिए हंस रही है बैठी बैठी, इसको सबसे ज्यादा मजा आएगी बूढ़ेगी तो, भैया हमारे वो है ना क्या कहते हैं क्वार्टर मास्टर है ना, देखो अलग से हेलमेट दिया हुआ क्वार्टर मास्टर को, कलर सबका ब्लू है, ब्लू कलर है और इनका येलो नियॉन कलर है, बॉटल भी नियॉन है, नहीं नहीं बॉटल नहीं, एक चीज तो सीखी आपने बीएमसी में कि नियॉन भी कलर होता है, अरे नहीं मेरे हेलमेट का नियॉन ही कलर है, मैं वो मजाक करता रहता हूँ, मैं मजाक करता रहता हूँ, मेरा हेलमेट है ना देखो वो भी नियॉन कलर है, अरे आराम से गिर गया रोबोट, दुनिया का सबसे कंट्रोवर्सियल, आराम से हो जाएगा, हो जाएगा, अच्छा ये जेट लीक हो गई बस, फिर धीरे धीरे आराम से, आराम से लॉक कर दो, आते आते हो गई कहानी का, कोई ऊपर नहीं चला था अपनी में बैठ, लो भाई पूरी ट्रेनिंग होने के बाद जितने भी गैजेट्स इक्विपमेंट्स हैं सारे अपने समेट रहे हैं, ए फ्यू मोमेंट्स लेट, लो भाई 1 बजे का टाइम हुआ है और अपनी जो क्लास नेक्स्ट क्लास है वो टिकट पे है, उससे पहले अभी लंच कर रहे हैं, लंच में चावल दाल, ये भिंडी, ये सलाद,
और ये आलू के सब्जी सॉरी छोले सारे। मुझे भी कन्वेक्शन हो रहा है यहाँ पे आए ऐसा कुछ है, यहाँ पे शायद प्रोजेक्ट के थ्रू कुछ दिखाएंगे। लो भाई अभी 3:30 का टाइम हुआ है और माउंटेन हजार्ड्स की क्लास लगी थी, उसके बारे में बताया था जैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव थी। ऑब्जेक्टिव जो नेचुरल से होती है, नेचर से होती है, जैसे लैंडस्लाइड होगी, भूकंप आ गया, लाइटनिंग होगी, ओले आ पड़ गए, कुछ ऐसा। सब्जेक्टिव जो अपने आप करते हैं जैसे चट्टान फिसला देते हैं और कुछ गिर देते हैं, रोक गिर देते हैं, कुछ ऐसा था। उसकी क्लास लगी है अभी आधा घंटे का, फिर आधा घंटे का तो 20 मिनट का कह सकते हो, चाय का टाइम हो गया है 5-10 मिनट बाद, और फिर दोबारा क्लास लगेगी। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें टेंट पिच करना बताएंगे। ये भी सारे बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पे कुछ बंदे प्रैक्टिस कर रहे हैं। लो भाई आज टेंट पिचिंग की क्लास होगी तो उसके लिए ये टेंट दिए हैं, ये भाई लेके जा रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं टेंट का, अपना घर उठा के लेके जा रहे हैं। और ये ऊपर लेके जाओगे यही काम आएगा ना। ये कहता बीच में ऐड किया है। देखो ये ऐसे कुछ है, तो अभी टोटल 17 बंदे हैं और 8 टेंट है, तो 2 लड़की है उनके लिए अलग होगा, बाकी जो 15 बंदे हैं उनके लिए 7 टेंट है, हर एक में 2-2 शायद एक में एक ज्यादा है। तो ऊपर अभी डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे आज अब ये लगाना सिखाएंगे। फिर भी यार लो भाई अभी टेंट पिचिंग की क्लास थी तो टेंट पिच में उसने बताया कि क्या क्या करना, कैसे करना, कहाँ लगाना, कैसे लगाना, हर एक चीज़ बता दिया है। तो अब ये टेंट पिच देखो, ये है, ये ऊपर लेके जाना है, अपना टेंट ये है। जैसे कुछ है ये आज तक यूज़ नहीं की थी, लेकिन अभी ये बताइए यूज़ कैसे करनी है। ये अंदर से कुछ ऐसा है, 4% टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त टेंट है, देखो नॉर्थ फेस का है। यहाँ पे चप्पल जूते रखने के लिए है, गजब टेंट में मज़ा आ गया। ये अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसको डोम टेंट बोलते हैं। ये भी सिर्फ ये बताने के लिए है कि मतलब इसमें कोई पार्ट फटा हुआ नहीं है, टूटा हुआ नहीं है या कुछ रहा नहीं है, जैसे ऊपर लगाएंगे तो पता चल जाएगा। एक नंबर। लो भाई 7:15 है और अभी डिनर का टाइम हो गया है। डिनर में आज क्या है, चपाती है, ये दाल राजमा है, ये पता नहीं किस चीज़ की है, ये करेले हैं और ये चावल है।